सर, हमने सुना है कि मिस वर्ल्ड होती हैं, सबकी निगाहें होती हैं कि मिस वर्ल्ड इस बार की कौन हुई। हम अभी आपको मिलाते हैं मिस्टर वर्ल्ड 2022, जो कि वियतनाम से जीत कर आए हैं। हाल ही में इनका कंटेस्ट हुआ था, इनका नाम ऋषभ हुआ, जो रांची के रहने वाले हैं, रांची के राजकुमार भी कह सकते हैं। रांची का मान बढ़ाया है, पूरे झारखंड का मान इन्होंने बढ़ाया है। पहले तो कशिश परिवार की ओर से हम ऋषभ को ढेर सारी बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ऋषभ सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आप हैं भी एक सिविल इंजीनियर हैं, और अब जो आपका इस फील्ड से जुड़ना, कैसे बचपन से ही शौक था? यस मैम, मैं इस फील्ड को लेकर के मैं बहुत फैसिनेटेड था शुरू से ही कि ये फील्ड कैसा चलता है, ना सिर्फ मॉडलिंग बट आल्सो एक्टिंग। मैं ये दोनों फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड था। जब मैं कॉलेज में था तो स्टेज शोज करता था और मॉडलिंग कॉम्पिटिशन करता था छोटे छोटे, तो उन सभी चीज़ों से मुझे बहुत इंटरेस्ट आई कि ये फील्ड को मैं और डेप्थ में जानना चाहता था कि ये फील्ड एक्चुअली है क्या। तो मैंने इसमें ट्राई किया और फाइनली आई एम हियर, रिप्रेजेंटेड इंडिया, फर्स्ट रनर अप हुआ मैं मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर में। जब वियतनाम में आपका नाम बुलाया गया, एक इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया, तो आपके पेरेंट्स भी वहां पर थे, कैसा महसूस हुआ होगा? जी मैम, पेरेंट्स का सपोर्ट था मैम, तभी मैम अभी तक मैं यहाँ तक हूँ। और मैम, जैसे आपको आपने कहा कि वियतनाम में मुझे इंडिया के नाम से बुलाया जाता था, ऋषभ वर्मा के नाम से मुझे नहीं बुलाया जाता था, मुझे इंडिया के नाम से बुलाया जाता था। तो वो जो ऑनर की बात है, प्राउड वाली फीलिंग होती है कि आपको आपके देश से सम्मानित किया जा रहा है, आपको आपके देश से आपको पुकारा जा रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। ऋषभ, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी, किस तरह से फैमिली बैकग्राउंड रहा, कितना सपोर्ट रहा फैमिली वालों का? मैम, मैं एक हम्बल परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का बिजनेस था, अभी कुछ रीजंस की वजह से अभी डाउन हो चुका है, लेकिन एंड मेरी मॉम हाउस वाइफ है। मेरी सिस्टर डायबिटिक क्लिनिक में बैठती हैं, उनका क्लिनिक है, और हमारा फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा मुझे। उन्होंने समझा कि इस पैशन में अगर मैं परस्यू करूँ तो कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। और मेरे फादर को बिलीव था कि मैं अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा। एंड फाइनली मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, एंड फर्स्ट रनर अप की ट्रॉफी मैं इंडिया में लेके आया। लास्ट सवाल ऋषभ आपसे, कि जो इस फील्ड में अभी बहुत सारे लड़के हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, किस तरह से वो मेहनत करें, वो अचीवमेंट जो है उसके लिए कितना स्ट्रगल करना होगा? यस मैम, जैसे स्ट्रगल की बात होती है तो मैम आपको एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे वन टाइम में आप इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स होती है इसमें, और फेलियर्स को आप एज अ लर्निंग लें और उनसे सीखें, क्योंकि आपको स्किल्स डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है इस चीज़ों में। ना सिर्फ गुड लुक होती है, ना सिर्फ आपकी फिजिक होती है, बट ऑल्सो द वे यू टॉक, आपकी सोच, आपकी सोशल वर्क, एंड आपकी पर्पस क्या है जीतने के बाद। तो और ये सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं। तो वंस अगेन कि ऋषभ को ढेर सारी बधाई, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। एक सिविल इंजीनियर होने के बाद भी इन्होंने एक खिताब जीता इंडिया के नाम से, और झारखंड का नाम ऊंचा किया, रांची का नाम रोशन किया। तो इनको बहुत बहुत बधाई। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।